इस बीच आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच गए हैं, गीता जयंती कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। तो बता दें आपको कई परियोजनाओं को का जो शिलान्यास है वो भी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम पहुंचने के बाद ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको ये खास कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है, जिसमें शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें आपको खास कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है और हर विभाग की जो स्टॉल्स हैं वो इस कार्यक्रम में लगाई गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका वो खुद निरीक्षण भी यहाँ पर कर रहे हैं। गीता जयंती कार्यक्रम के मौके पर इस खास कार्यक्रम का ये आयोजन। और नीरज वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, गीता जयंती कार्यक्रम का ये खास आयोजन गुरुग्राम में किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं, खुद वहां पर लगी जो स्टॉल्स हैं उनका निरीक्षण भी वो कर रहे हैं। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी नीरज, गुरुग्राम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वहां मौजूद जो एक एक स्टॉल है उसका खुद वो एक एक कर निरीक्षण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री गुड़गांव में पहुंचे हैं और आज कई प्रोग्राम जो है गुड़गांव में मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद के भवन में शिला स्वतंत्रता सेनानी स्मारक का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री खट्टर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है गुरुग्राम के विधायक हैं सुधीर सिंह लाइन के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, जीएमडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। कई योजनाओं और परियोजनाओं के ऊपर चर्चा होने वाली है, यानी आज पूरा दिन जो है वो मुख्यमंत्री खट्टर गुड़गांव में रहने वाले हैं और गुड़गांव के तमाम जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर जरूर चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए गीता जयंती कार्यक्रम की, तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो आम लोगों के लिए भी ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर ओपन रहेगा? कितने बजे से कितने बजे तक इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, कितने दिनों का आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है? देखिए 3 दिवसीय ये आयोजन गीता जयंती का है जहाँ पे मुख्यमंत्री खट्टर आज शिरकत करने वाले हैं। तकरीबन आज दूसरा दिन है और कल जो है ये आखिरी दिन गीता जयंती का है और ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, चीजों का जायजा ले रहे हैं। और जो आम लोग हैं आज, अब इस बार पहली बार ऐसा भी हुआ है कि आम लोगों का जुड़ाव जो है वो गीता जयंती के इस प्रोग्राम के साथ जरूर देखा जा रहा है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज वशिष्ठ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको ये तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे थे गुरुग्राम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव की और एक एक कर जो स्टॉल्स हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर बारीकी से कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इस बार पहली बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है कि जो आम लोग हैं उनका रुझान भी इस जो गीता जयंती कार्यक्रम के मौके पर जो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है आयोजित, उस पर खासा जो लोगों का जुड़ाव है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। सबसे पहले एक एक स्टॉल में जाकर अलग अलग विभागों के स्टॉल्स आप देख रहे हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक एक कर औचक निरीक्षण जो है वो प्रत्येक स्टॉल का यहाँ पर कर रहे हैं और बातचीत भी वो कर रहे हैं जो स्टॉल पर जो अधिकारी वहाँ पर खड़े हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्या कुछ इन स्टॉल्स में रहेगा यहाँ पर। तो फिलहाल बता दें गीता जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और लोगों का भी रुझान जो है इस तरीके के कार्यक्रम में काफी ज्यादा बड़ा है। पीछे था पीछे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई तरह तरह के जो स्टॉल्स हैं गीता जयंती महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में ये स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं और एक एक कर प्रत्येक स्टॉल में जाकर
निरीक्षण भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस स्टॉल को लेकर जानकारी भी ले रहे हैं उस बारे में जो स्टॉल के संचालक हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं इसको लेकर। तो आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुग्राम की जहां पर गीता जयंती कार्यक्रम के मौके पर ये खास कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सारी दुनिया के लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं क्योंकि कोई एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ नहीं है, केवल हिंदू समाज का ग्रंथ है। कुछ लोग इसको धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं और उसी को इतिश्री करते हैं। ये धर्म से भी ऊपर है, एक प्रकार का धर्म से ऊपर। मैं ये कहूंगा कि धर्म के पार संगत ये ग्रंथ है। धर्म भी जो होता है वो किसी एक मजहब के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, धर्म भी शाश्वत है। ये धर्म के नाम दे दिए गए हैं। धर्म वास्तव में एक शाश्वत, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा सिद्धांत है। धर्म इति धार्यति, वो चूंकि धर्म की व्याख्या अपने देश के अंदर इस यानी भूभाग में इसकी अच्छी व्याख्या हुई, इसलिए उसको हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस नाम से बोल दिया गया। बाकी एक ही धर्म है, दुनिया में धर्म है ही नहीं कोई और। धर्म माने सबके लिए सिद्धांत है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, तो क्या दुनिया के बाकी देशों में अलग अलग धर्म थोड़ा ही विद्यार्थी का? पत्नी का धर्म, पति का धर्म, भाई का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, गुरु का धर्म, यानी जो किसी एक विशेषता होती है किसी एक व्यक्ति की, जिसको कहना चाहिए उसकी जो पोजीशन के हिसाब से, वो धर्म सबको अपना निभाना चाहिए। यहां हम सब बैठे, हमारा भी एक सामूहिक धर्म है, कलेक्टिव सामाजिक धर्म है, समाज के साथ व्यवहार करना। एक हमारा व्यक्तिगत धर्म है कि मैं जिस कैपेसिटी में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा भी एक अपना धर्म है मुख्यमंत्री के नाते है। यहां के डिप्टी कमिश्नर है, उनका एक धर्म है डिप्टी कमिश्नर के नाते। वाइस चांसलर मार्कंडे जी बैठे, उनका एक धर्म है वाइस चांसलर के नाते। हमारे विधायक हैं, हमारी मेयर हैं, हमारे सीपी हैं, जो भी व्यक्ति है अपनी कैपेसिटी में उसका एक धर्म होता है और एक सामूहिक धर्म होता है। तो उस धर्म के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। आज जिस लोकतंत्र में हम काम यानी जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र के आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमारा संविधान एक धर्म है। जैसे गीता एक कर्म करने की प्रेरणा देने वाला एक ग्रंथ है, जीवन को जीना किस प्रकार से जिया जाए, उसकी शैली क्या हो, इसको बताने वाला एक ग्रंथ है। संविधान भी एक ऐसा ही है। आपको जानकारी शायद होगी, हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका जब उन्होंने सब चीजों को संग्रह करके संविधान को, जब संविधान ज्ञान का कोई नई बात बताई हुई किसी की, ऐसा नहीं है, एक उस ज्ञान का संग्रह है कि प्राचीन काल से सामाजिक जीवन हमारा कैसे चलता था, क्या क्या चीजें उसमें अच्छी थी, क्या क्या हमको करनी चाहिए, सबको संकलित करके वो ग्रंथ बनाया गया, एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में लिखी गई। वहां जो 300 मेंबर थे, कोई उन्होंने अपनी अपनी बात जो ध्यान में आई लिख दिया, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से हमारे एक शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था को कंबाइंड करके संकलित करके एक अच्छा जो रूप था उसको दे दिया। हालांकि उसके बाद भी विचार बहुत आए, 100 से ऊपर संविधान में भी संशोधन हो चुके हैं। अब वो संशोधन करते करते समय के हिसाब से चलते चले आए, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है उसके ज्ञान में आज भी उसी संदर्भ के अंदर वो चुनौतियों को हल करने के लिए हमको संबल है। उसमें कहीं कोई अदल बदल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, गीता का संदेश अजर है, अमर है, शाश्वत है। संविधान में तो हो सकता है फिर हम कोई परिवर्तन कर डालें, संविधान हो सकता है हमारे देश के अनुकूल जो कुछ व्यवस्थाएं उसके अनुसार है, हर देश का संविधान अपना अपना है, लेकिन गीता का सारा सारी दुनिया के लिए एक है, सबके ऊपर एक जैसे रूप से अप्लाई करता है। और अगर गीता के सार को समझ करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें तो हमेशा सफलता ही सफलता है, संतोष ही संतोष है, सुख ही सुख है, कहीं दुख आने की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज्यादा उहापोह जो है वो है हमारी आवश्यकताएं होती हैं, सबकी आवश्यकता पूर्ति सबको करानी होती है। उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमको कर्म करना होता है। कर्म करो, फल के पीछे मरो नहीं, मतलब फल की चिंता जो कही ना, फल की चिंता नहीं करनी, अर्थात फल के पीछे मरना नहीं है, लेकिन फल लेना भी है। जो फल मिलेगा जरूर, हर कर्म का फल होता है, उस फल को दुत्कारना भी नहीं है कि हमको फल लेना नहीं है, फल मिलेगा।
कुछ मिलेगा तो स्वाभाविक जो मिलेगा उसको ले लेंगे। ये आवश्यकताओं की पूर्ति है, लेकिन जब आवश्यकताओं के ऊपर उठकर के व्यक्ति के मन में लालसाएं आ जाती हैं, लालसाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और जब लालसाएं पूरी नहीं होती हैं उससे दुखी दुख आता है। तो आवश्यकताएं की पूर्ति कर्म से करना, उससे सुख मिलता है, और उसके आगे बढ़कर के लालसाएं हो जाएं, लालसाएं कभी पूरी होती नहीं उससे दुख मिलता है। तो ये लालसाओं का और आवश्यकताओं का एक संतुलन ये गीता के माध्यम से आता है। कर्मण्य का कर्मण्य वाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन, एक इतनी पंक्ति भी हम याद रख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 700 श्लोक हैं वैसे गीता में, अब सबके ऊपर कोई चल पाए ना चल पाए अलग बात है, अब जीवन में एक या दो या चार ऐसे कुछ श्लोक को सार उसका निकाल करके उसके यानी उसके जिसको कहना जी भावना के रूप आगे बढ़ना शुरू कर दें, जीवन में दुख नहीं आएगा कभी भी, सुख ही सुख आएगा। इसलिए इस गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार नीचे तक जाए, आज हम जिला स्तर पर कर रहे हैं, हमको आवश्यकता होगी आगे इसको और नीचे ले जाए, हर परिवार में इस गीता के सार का उसको उसके अनुकूल कुछ ना कुछ शिक्षा पद्धति संस्कार पद्धति उसके अनुसार हम अपनी बनाए, यही इसका हेतु है। और आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसको मार्कंडेय जी ने भी हमको गीता के बारे में बहुत कुछ बताया, जो भी वक्ता आते हैं वो अपने अपने तरीके से बताते हैं, मुझे कोई बहुत बड़ा गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता के प्रति श्रद्धा इतनी है कि इसको जितना ज्यादा आगे से आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार के माध्यम से जो काम करना होगा वो हम सारा करेंगे, किसी भी लेवल तक जाएंगे उसके लिए कुछ संकोच नहीं करेंगे। कला के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से गीता का प्रचार प्रसार होता है। अभी हमारे बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे जो कलाकार ये बंधु दे रहे थे, शायद किसी विद्यालय के साथ जुड़े हुए थे, तो मॉडल संस्कृति विद्यालय, बहुत अच्छी कला उन्होंने दिखाई, गीता का और भगवान कृष्ण का कृष्ण लीला का जो एक दृश्य दिखाया, बहुत प्रसन्नता का विषय है। तो इन बच्चों के 9 बच्चे ये हैं, तो इन 9 के 9 बच्चों के लिए 5100 रुपए का एक पुरस्कार इनको दिया जाता है, और वो डीसी साहब मेरे उस खाते से मंगवा करके इनको दे देंगे, और इस प्रकार से विषय को आगे बढ़ाएं यही अपेक्षा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गुरुग्राम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर इस पे संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिसमें उन्होंने कहा कि गीता का संदेश जो है वो पूरे विश्व के लिए है, और ये कभी भी किसी के लिए भी जो बदलाव इसमें नहीं होता है ये जिंदगी को जीने का मकसद देता है।